लोकसभा चुनाव प्रचार के साथ ही राजनीतिक दल सामाजिक संगठनों से जुगत बिठाने में जुटे हुए हैं। भाजपा की ओर से जहां जाट गुर्जरों को जोड़ने के लिए हनुमान बेनीवाल और कर्नल बैसला को पार्टी के साथ लाया गया, तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी दो दिन पूर्व राजपूत आरक्षण मंच के पदाधिकारियों को पार्टी में शामिल किया गया और इसके साथ ही गुरुवार को भी करीब 15 दलित नेताओं को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करवाई गई। इस दौरान पीसीसी मुख्यालय में प्रभारी अविनाश पांडे ने सभी नेताओं का स्वागत किया। राष्ट्रीय सर्व मेघवंश महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल डेनवाल के नेतृत्व में सभी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की और इसी दौरान मेघ देशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किशन लाल और प्रदेश के अध्यक्ष देव किशन दहिया, राजस्थान मेघवाल समाज के प्रदेश अध्यक्ष मोहर सिंह और बलाई महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मनीष देवेंदा समेत अनेक पदाधिकारी कांग्रेस में शामिल हो गए। लोकतंत्र का जो महापर्व है इस लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय और कांग्रेस विचारधारा से पर विश्वास रखे हुए माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और इस पूरे चुनावी महापर्व में ये सब बढ़ चढ़कर कांग्रेस के उम्मीदवारों को और कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस के कार्यक्रमों को जन सामान्य तक पहुंचाएंगे एवं लोगों में आज जिस चीज की अति आवश्यकता है कि इस लोकतंत्र को बचाने के लिए जो जागृति पूरे समाज में पुनर्निर्माण करना है तो बिना किसी बहकावे में आके लोग स्वतंत्र रूप से वोट करें और आज लोकतंत्र को बचाने के लिए जो अति आवश्यकता है और हर एक की निगाहें आज कांग्रेस पार्टी की ओर है उसको पूरी मजबूती प्रदान करेंगे और इन सब के आने से कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस के हमारे सभी प्रत्याशियों को मजबूती प्रदान होगी और हम अपने मिशन 25 में सफल होंगे। इस ऐसी में